नागिन शो में नजर आ चुकी सुरभि चंदाना अपनी लीड एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ बेपनाह इश्क के सक्सेस पार्टी में जब पहुंची तो यहां इस मौके पर एंग्री बर्ड बन गई सुरभि चंदाना। शरद मल्होत्रा और सुरभि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने आकर बातचीत की और बातचीत के बीच जब उनसे कुछ कहा गया तो वो काफी गुस्सा भी हो बैठी। तो चलिए हम सुरभि और शरद को देख लेते हैं कैसा सुरभि गुस्से में रिएक्ट कर बैठी। जी हाँ, सुरभि चंदाना शो नागिन की लीड एक्ट्रेस, नागिन सीजन 5 की आदि नागिन, गुस्से का ये बिहेवियर, गुस्से से भरी नजर आई और मीडिया रिपोर्टर की बोलती ही बंद कर बैठी। डांस शरद से करने से ठीक पहले सुरभि शरद को भी चौंका गई, कुछ ऐसे वो गुस्सा करती नजर आई, रिपोर्टर्स को जवाब देती नजर आई, बड़े बड़े आंखें कर एक्सप्रेशन देती नजर आई। जरा देखिए ये वीडियो। चल रहे हैं सवाल, चल रहे गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना रोमांस देखना था जो शायद पहले वाले में एक्शन था, थ्रिल था, बट इसमें जो केमिस्ट्री है, रोमांस, आई थिंक वो बहुत स्ट्रांग है। एंड आई थिंक जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दिन कि पिकअप गाने का बहुत अच्छा हुआ, लाइक 16 एकदम, जैसे अभी बोला 16 मिलियन 3 दिन में, व्हिच इज प्रीटी गुड यार। वेब सीरीज की बात करते हैं, हमने एक ट्रेंड शुरू किया है जी, उस ट्रेंड का नाम है म्यूजिक सीरीज। हमने बेपना प्यार बनाया, हमने बेपना इश बनाया, अभी भी हमने कहानी अधूरी छोड़ी है, तो क्या ये सब कुछ वेब सीरीज थोड़ी ना है, अब तो म्यूजिक सीरीज करना चाहिए और हर सीरीज में हम लोग को लेना चाहिए। आई थिंक सुरभि, मैंने वो आई थिंक वेरी राइटली वो ट्रेंड स्टार्ट किया है, मुझे याद नहीं पहले ऐसे कुछ हुआ है कि म्यूजिक वीडियो के पार्ट्स होते हैं, तो आई थिंक इट्स गुड यार कि लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग देखना चाह रहे हैं और लेट्स होप कि नेक्स्ट पार्ट जब भी हो इंटरेस्टिंगली शूट हो अच्छा हो। और यहां ना तकरीबन मानते हैं आप लोग कि कितने पार्ट होने चाहिए इस गाने के, क्योंकि आपने बताया कि मुझे लगता है यार प्यार 3-4 में कहानी खत्म हो जानी चाहिए, ज्यादा भी प्रोलॉन्ग नहीं करे, ज्यादा स्ट्रेच नहीं। हां, आई थिंक उसका जो उसकी यूएसपी है, उसकी जो खूबसूरती है, आई थिंक शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, और जब तक आई थिंक कहानी आगे बढ़े, अच्छे से बढ़े, लोग एक्सेप्ट करें, उसके बाद फिर और कुछ नया। ओके, आज आप दोनों यहां पर हैं, रील्स बनाने आए हैं, जैसे किसी आपने नीचे बताया, तो क्या कांसेप्ट है आज, क्या होने वाला है आप जिसके बारे में? हमारे इन्फ्लुएंसर्स के दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा, वो हम सबसे शार्प हैं, हम जो सोचते हैं वो 4 कदम आगे सोचते हैं, तो मैं आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज़ यू नो आई हैव सीन दे पुट इन सो मच, यू नो देयर टैलेंट एंड पैशन इतना है उन लोगों को रील्स बनाने का, एंड वी हैव सीन कितना, आप लोगों ने सबने पहले बताइए रील्स बनाए कि नहीं हमारे गाने पे? अभी बनाएंगे ना। चलिए, इंटरव्यू खत्म हो गया आज के लिए, अब हम चलते हैं क्योंकि हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि आप लोगों ने हमारे गाने पे रील्स बनाया, मुझे सबका चाहिए, हमारा आप सुन रहे हैं अभी ये वो तो आए हमारे साथ रील बनाने, आपने तो बोलिए वायरल नहीं पूछते लेकिन आप कुछ नहीं बनाते हमारे लिए, नहीं वो बनाएंगे आज, सब बनाएंगे रील्स, आज हम सबके रील्स बनाएंगे, आज कोई यहाँ से जाएगा नहीं, कोई यहाँ से जिंदा जाएगा नहीं, बाहर हमने आपका डांस बंद कर दिया। कौन सा डांस है? मैम ने डांस किया सर, डांस होगा। अच्छा, वी वर मिसिंग राखी, वाज राखी वाज मेरा फेवरेट, किधर है? क्योंकि शरद उनका फेवरेट है, राखी कहां है? राखी बुलाओ यार, जिम में है। अच्छा, चलिए जाते जाते सबकी डिमांड है कि एक फ्यू स्टेप्स। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।